एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी तकरीबन हमारे जितने भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट थे वो अब सूखने शुरू हो गए हैं, तो इससे पहले कि उनके सीड गिर जाएं हमें उन्हें कलेक्ट कर लेना है और आगे के लिए उन्हें किस तरह से हमें प्रिजर्व करके रखना है वो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। आप लोग यहाँ देखें, ये मेरे यहाँ पे पूरा ये सीजनल प्लांट लगे हुए हैं विंटर के, और आप यहाँ देखें ये फ्लॉक्स का प्लांट है, फ्लॉक्स का फ्लावरिंग प्लांट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पूरी फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है और कुछ सीड पक चुके हैं इसमें और कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन हैं। लेकिन अभी से ही हमें कलेक्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि जब तक हम इसका वेट करेंगे कि ये भी पूरे सूख जाएं, तब तक में ये हमारे निकल जाएंगे और इधर उधर बिखर जाएंगे। इससे पहले इस समय हमें नज़र रखनी है कि हमारे कौन कौन से ये सीड सूख रहे हैं और उनको हमें रख लेना है। तो इस तरह से हम सिंपली जो जो सीड हमारे इस तरह से सूखते जाएं उन सबको रख लेना है। और आप एक आध प्लांट ही छोड़ें, अगर जिसमें दिख रहा है कि सीड बन रहा है, एक आध प्लांट ही काफ़ी हो जाते हैं हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए। देखें ये गिर भी रहे हैं, तो इस तरह से अब बिल्कुल सूख चुके हैं, ये परफेक्ट टाइम है हमारा सीड कलेक्ट कर लेने का। और मैं आपको दिखा दूं, ये फ्लॉक्स के सीड हैं, 100% जर्मिनेशन हो जाती है। और ये देखें ये जो काले काले हैं, बहुत हेल्दी और बहुत बढ़िया सीड दिख रहे हैं, ये यही इसके सीड हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारे कुछ ये देखें स्वीट विलियम्स लगे हुए हैं, ये पूरा सूख चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से जो इनके सीड पॉट बन रहे हैं, तो इसमें देखें किस तरह से सीड हैं, ये आप काले काले देख रहे हैं, ये स्वीट विलियम के सीड अपने आप ये रेडी हो जाते हैं। इस तरह से हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको निकाल करके और ऐसे कलेक्ट करते जाना है। आप चाहें तो इस तरह से पूरा बंच ही कर लें, निकाल करके रख लें, ये इजी प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद हम इसे छांव में सुखाएंगे और फिर कैसे प्रिजर्व करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, ताकि ये हमारे सुरक्षित रहें। और यहाँ देखें ये भी हमारा सूख चुका है मेरीगोल्ड। इस तरह से हम पूरे पूरे इसको रख लेंगे और कुछ दिन तक, जैसे ऐसे तोड़ने के बाद भी हम कुछ दिन तक इसको हवा में रखेंगे, छाए में इसको कपड़े से ढक करके रख देंगे, ताकि इसका मॉइस्चर पूरी तरह निकल जाए। ये आपको ऊपर से सूखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर बरकरार है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है सीड को प्रिजर्व करने के लिए। आप यहाँ पर देखें ये सारे बंच पूरी तरह सूख चुके हैं, ये भी स्वीट विलियम का ही है, और आप देखें किस तरह से इसमें इस तरह से सीड निकल रहे हैं। काफ़ी हेल्दी प्लांट है, अगर आप प्लांट की केयर ढंग से करेंगे आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही होगी। तो देखें सीड कितने हेल्दी और बढ़िया होते हैं, और सीड हैं भी बहुत ज़्यादा, एक एक पॉड में बहुत ज़्यादा सीड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इतने तो हम लगा भी नहीं पाएंगे जितने सीड यहाँ आपको दिख रहे होंगे। ये सारे बंच सूख सूख करके देखें, ये पूरा बंच ऐसे ही सूख जाएगा और फिर हमें इसे यहाँ से कट करके रख लेना है, और चाहे तो ऐसे भी रख। यहाँ आप देखें ये देसी पिटूनिया है, देसी पिटूनिया है, ये बहुत बढ़िया प्लांट होते हैं। और आप यहाँ पे इसके सीड पॉट देखें, ये दिख रहा है, ये अभी ग्रीन है, मैं वेट करूँगी कि ये सूख जाए अच्छी तरह। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे ही सीड सूखते हैं ये फट जाते हैं और बिखर जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितने सारे ये सारे सीड पॉड हैं, ये देखें, हमें इन सब का इस वक्त बहुत ध्यान रखना है कि सूखने से पहले ही हम इसे कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लें। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें ये अफ्रीकन डेजी, जो वाइट वाले फ्लावर इस तरह के, अब ये पूरे के पूरे खिल चुके हैं, इनका सीजन भी ख़त्म हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें इसके ये सीड हैं। तो अगर जैसे सीड नहीं भी सूखे हैं, लेकिन आपको यहाँ ये सूखने का प्रोसेस शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि ये हमारे सीड मैच्योर हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके सीड कैसे होते हैं। जब आपको इस तरह के काले और ब्राउन बीज दिखने लगें, तो आप समझिएगा कि हमारे सीड एकदम से रेडी हैं। लेकिन फिर भी अभी इसमें मॉइस्चर बरकरार है, इसलिए इसका मॉइस्चर सूखने तक हमें वेट करना है। तो इस तरह से आप इसे कलेक्ट कर लेंगे सारे।
इस तरह से डंडी समेत भी रख सकते हैं, ये अपने आप सीड इसके निकल जाएंगे। इस तरह से तोड़ करके आप रख लें जो जो सूखते जा रहे हैं। तो हमारे पास तो अपने आप ही इतने सारे सीड, मैं कभी भी खरीदती नहीं हूँ इन फ्लावरिंग प्लांट के, मैं सीड कभी भी नहीं लेती। मैं नवंबर अक्टूबर से ही उसको लगाना शुरू कर देती हूँ और हर 15-15 दिन पे लगाती रहती हूँ। जैसे ही अक्टूबर या नवंबर में हम इसके सीड लगाना शुरू करेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन हम राइट टेम्परेचर का वेट करेंगे उस वक्त। और मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे एक सप्ताह के अंतराल पे हम सीड डालते जा रहे हैं, अपने आप ही जब उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर आता है वो बहुत जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये बेस्ट तरीका है। और कल मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, उसमें मुझे कि मेरे किसी व्यूअर ने पूछा है कि मेरे फ्लॉक्स में सीड नहीं बन रहे, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपके किसी भी प्लांट में अगर सीड नहीं बन रहे तो आप समझना कि वो आपका हाइब्रिड प्लांट है। जो भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनमें आप देखेंगे या तो बहुत कम सीड बनते हैं या ना के बराबर सीड बनते हैं, तो आप कोशिश करें देसी वाले वैरायटी इस तरह के सीड कलेक्ट करने के। और जो पिटूनिया होता है, इस तरह के जो पिटूनिया जो होते हैं ठंड वाले, उसमें भी हाइब्रिड वाले में आपको बहुत ध्यान से सीड कलेक्ट करना होता है, क्योंकि उसमें सब में जैसे देसी वाले पिटूनिया में इतने सारे सीड आपको दिख रहे हैं उसमें नहीं होते, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके जर्मिनेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जितने भी हाइब्रिड आपके प्लांट होते हैं वो बाहर से आते हैं, बाहर से बन के आते हैं, उनका टेम्परेचर अलग होता है, उनका जो कंडीशन होता है डेवलप होने का वो बिल्कुल अलग होता है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो अगर सीड प्लांट में नहीं बन रहा है। तो जो भी प्लांट में बन रहा है उनको कलेक्ट करें और उनको प्रिजर्व करें। यहाँ देखें, ये मैं आप लोगों को अपने किसी वीडियो में भी रिकमेंड की थी कि आप लोग इस तरह के सिंगल वाले डालिया को ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो बड़े वाले बिग फ्लावर होते हैं उसमें सीड नहीं होता और हम उसके सीड कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो देसी वाली वेराइटी होती है इसमें बहुत अच्छे से सीड बन जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक ये स्पेंट फ्लावर है और इसमें सीड इस तरह से बनते हैं। ये देखें, मैंने एक सूखा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, जब इसके फ्लावर आप इस तरह से हटाएंगे तो आपको यहाँ पे काले काले कुछ सीड दिख रहे होंगे। ये देखें, ये इसके सीड हैं, इनको कलेक्ट कर लें, ये काला वाला पेटल्स हटा के इनको जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो अगले साल के लिए ये तैयार हो जाएंगे। और डालिया एक और तरह से भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा चूंकि उसमें सक्सेस रेट मुझे नहीं दिखा था इसलिए मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दी, लेकिन आप लोग अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जब भी आप इस प्लांट को उखाड़ेंगे हटाएंगे तो उसके नीचे बल्ब जैसा मोटा सा स्टेम के साथ लगा होता है, तो हम उसको निकाल के और प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और नहीं तो एक और उपाय है, वो ज़्यादा बेटर है, कि इस प्लांट को एकदम नीचे रूट से जड़ों से थोड़ा ऊपर कट कर दें और उसको किसी ऐसे प्लेस पे डाल दें जहाँ बहुत ज़्यादा धूप ना लगती हो, कोने में रहेगा और थोड़ा थोड़ा उसमें कभी कभी पानी डाल दिया करें ताकि वो बल्ब इंटैक्ट रहे, वो सड़े ना, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग करने से वो ख़राब हो जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर जैसे ही इसका सीजन आएगा अपने आप देखेंगे कि नीचे से जर्मिनेशन स्टेम निकलना शुरू हो गया है, तो स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, तो ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन मैं इसे नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास पॉट्स की कमी हो जाती है इस वजह से। ये मेरा जो आप लोगों का फेवरेट प्लांट है, आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा था। अभी ये बहुत सारी फ्लावरिंग करके थोड़ा रुक गया है, लेकिन ये फिर से फ्लावरिंग शुरू करेगा थोड़ा अगर मैं इसको ट्रिम कर दूं। यहाँ देखें, इसके भी सीड बनना स्टार्ट हो गए हैं और कितने अच्छे से ये रेडी हो गया है। ये देखें, इस तरह से सूख गए हैं ये, तो हमें इसको कलेक्ट कर लेना है और चाहें तो इसी तरह से इसको रख सकते हैं। इसमें काले काले बहुत सारे सीड हैं, ये देखें, ये निकल रहे हैं इस तरह के सीड। ये जो काले वाले हैं ये सीड हैं इसके। इसी तरह से इसमें बहुत सारे हैं जो सूख चुके हैं, ये देखें। अब मुझे अगले साल कहीं से भी सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं इसको सो कर दूंगी और मेरा ये प्लांट
चलता रहेगा, क्योंकि ये गर्मी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और ठंड में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो हम इसे लगा सकते हैं और इसे रख लें, तो क्या ज़रूरत है हमें कहीं जाने की। देखें यहाँ पे मेरे ये डॉग फ्लावर के सीड हैं। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि डॉग फ्लावर में भी आजकल हर फ्लावर में सीजनल जितने भी आपके फ्लावर हैं उसमें दो वैरायटी आती है, एक हाइब्रिड एक देसी। तो हाइब्रिड में इस तरह से लंबे प्लांट होंगे और भर भर के इसमें भी सीड लगते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें किसी में सीड कहीं कहीं लग जाते हैं, कहीं कहीं ना भी लगते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। देसी सीड में एक ख़ास बात होती है कि इसको आप जैसे रखेंगे वैसे ही रहेगा और उसमें बीमारियां नहीं लगती और अच्छे कंडीशन में रहता है। यहाँ देखें मैंने नास्ट्रीशियम सारे हटा दिए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये प्लांट मैंने छोड़ रखा था, इसमें बड़े बड़े मोटे मोटे सीड लगे हुए थे, लेकिन अभी मैं इसमें देख रही हूँ एक भी सीड नहीं है। इसकी ख़ास बात ये होती है, एक सीड देखें यहाँ पर है छोटा सा, इसकी एक ख़ास बात होती है इसके सीड इस तरह के मोटे मोटे और बड़े बड़े होते हैं, तो जैसे ही ये सूखते हैं वैसे ही नीचे गिर जाते हैं, टच करने से ही ये नीचे गिर जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर आप इसको मिट्टी में भी रहने दें तो अगले साल आपको बिना किसी मेहनत का अपने आप मिल जाएगा, प्लांट मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इस बार एक भी नास्ट्रीशियम लगाया नहीं था। लेकिन आप चाहें तो इसको निकाल के प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं और आप देखेंगे मिट्टी के ऊपर ये किस तरह से गिरे होते हैं, इसको कैसे कलेक्ट करना है हमें। आप देखें यहाँ पे ये एक सीड गिरा हुआ है, ये देखें होल वाले, आप आराम से इसको पहचान सकते हैं। और यहाँ देखें यहाँ भी ये दो सीड हैं, ये देखें इस तरह से आप कलेक्ट कर लें, इनको साफ़ कर लें और प्रिजर्व करके रख लें। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, इस बार मैंने जो बिना मेहनत किए जो मेरे सरसों उगाए थे, बहुत सारे सरसों हुए, मैंने उन्हें हार्वेस्ट भी कर लिया और वो सूख करके बहुत सारे निकले, मैंने उन्हें साफ़ करके रख भी लिया। कुछ यहाँ बचे हुए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखें कितनी सारी चीज़ें हमें ऐसे ही मिल जाती हैं अपने गार्डन से। ये देखें ये सीड हैं उसके और कितने सारे सरसों हैं, ये मैंने तो थोड़ा सा आपको दिखाया है लेकिन मुझे बहुत सारे सरसों मिले हैं इस बार, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था। ये देखें खुद ब खुद इतने सारे सरसों और बहुत हेल्दी बहुत अच्छे हैं ये, और ये देखें कितने सारे सीड हैं, बहुत सारे, इसको आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखें मैंने ये मूली के प्लांट अपने उखाड़ लिए थे और उसका सीड इस तरह से मैंने कलेक्ट करके रखा था, ये बेहतरीन सीड है क्योंकि मूली बहुत अच्छी वैरायटी की थी और मैंने उसकी केयर भी बहुत बढ़िया से की थी। आप लोगों ने उसकी फलियां लगी हुई देखी होंगी बंच में, बहुत सारी फलियां, बहुत हेल्दी प्लांट था। और इस तरह से मूली के सीड होते हैं, ये पूरी तरह से सूखे हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्राउन ब्राउन कलर के, ये देखिए यहाँ पे जैसे हम मैं एक तोड़ के आप लोगों को दिखा दूँ, ये ब्राउन सीड हैं इसके, ये रेडिश ब्राउन ये दिख रहा है, ये सीड हैं, बहुत हेल्दी सीड है। अगले बार इसको डाल दूंगी, मूली अपने आप हमारी ग्रो हो जाएगी। तो कितना आसान तरीका है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं इसे प्रिजर्व कैसे करना है ताकि ये नेक्स्ट ईयर तक हमारे साथ बने रहे। न्यूज़पेपर का यूज़ मैं इसलिए भी करती हूँ ताकि हमारे सीड में अगर थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर रह जाए तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप देखें जैसे पूरी तरह सूखे हुए ही हमें इसमें रखने हैं अभी, अदरवाइज़ इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें और जब पूरी तरह सूख जाएगा तब हम रखेंगे। जैसे ये मेरा प्लांट, ये मेरा सीड देखें पूरी तरह सूखा हुआ है, तो मैं इसको प्रिजर्व कर लूँगी इस तरह से, ये अच्छे से सूखे हुए हैं। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भी आराम से रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें इसे रखना कहाँ है, हमें इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में आपके सीड कभी ख़राब नहीं होंगे, मतलब आराम से एक डेढ़ साल तो आराम से चल ही जाते हैं, इसलिए इसको फ्रिज में रखें। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Live nature, love nature, thank you.